तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करेंगे समरी या नोट मेकिंग की। हम यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स देखेंगे जो अभी तक आपने सीखे हैं और इन सारे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट है द जिम्नोस्पर्म्स जिम्नोस नेकेड स्पर्मा सीड्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जिम्नोस्पर्म्स जो है उनमें से जो जिम्नोस वर्ड है उसका मतलब है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। यानी ऐसे प्लांट्स जिनकी हम बात करें जो ओव्यूल्स हैं वो कवर्ड नहीं है किसी भी ओवरी वॉल से और वो हमेशा एक्सपोज्ड यानी ओपन रहते हैं फर्टिलाइजेशन के पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स बट वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जाइंट रेड वुड ट्री सीक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर मीडियम साइज ट्रीज भी मिलते हैं या टॉल ट्रीज भी मिलते हैं और श्रब्स भी मिलते हैं, पर इन सभी में से एक जिम्नोस्पर्म जो है जिसे हम बोलते हैं द जाइंट रेड वुड ट्री सीक्वा, ये सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स दे रिमेन इन अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द फंजाई माइकोराइजा एग्जाम्पल पाइनस। तो जो रूट्स होती हैं वो जनरली टैप रूट्स होती हैं और ये एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन या रिलेशनशिप शो करते हैं फंगस के साथ जिसे हम बोल रहे हैं माइकोराइजा और एग्जाम्पल है पाइनस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सम मेंबर्स हैव कोरेलॉइड रूट्स विच शो सिम्बायोसिस विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एग्जाम्पल साइकस। तो जो कुछ मेंबर्स हैं उनके अंदर कोरेलॉइड रूट्स होती हैं जो सिम्बायोसिस शो करती हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ, एग्जाम्पल है साइकस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड जैसे कि साइकस में और ब्रांच्ड एग्जाम्पल पाइनस सेड्रस एंड द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। तो जो स्टेम्स है वो या तो अनब्रांच्ड हो सकती है जैसे कि साइकस में हमने देखा था या ब्रांच हो सकती है जैसे कि पाइनस और सेड्रस और इनकी जो लीव्स है वो या तो सिंपल या कंपाउंड हो सकती हैं। अगर हम साइकस की बात करें इनके अंदर पिन्नेट लीव्स जो हैं वो कई सालों तक परसिस्ट होती है। हम यहाँ पर वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडैप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो जो लीव्स हैं जिम्नोस्पर्म की वो बहुत ज़्यादा अडैप्टेड है हाई टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए और विंड के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सर्फेस एरिया देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्ट्रोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस। तो अगर कॉनिफर्स की बात करें उसमें नीडल जैसी जो लीव्स हैं वो रिड्यूस कर देती है सर्फेस एरिया को और उसके ऊपर एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं और सनकन यानी रिड्यूस स्ट्रोमेटा होते हैं और ये सारे अडेप्टेशन मदद करते हैं ताकि कम से कम पानी का लॉस हो सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द जिम्नोस्पर्म्स आर हीट्रोस्पोरस दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो हीट्रोस्पोरस कैटेगरी में आते हैं, जैसा कि हमने पहले भी सीखा है डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स बनाते हैं, एक तो ये बनाते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और दूसरी तरफ ये बनाते हैं हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग एन एक्सेस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। और जो दो तरीके के स्पोर्स हैं वो हमारे बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर और ये स्पोरेंजिया हमें मिलता है स्पोरोफिल्स में और ये स्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज होते हैं एक्सेस पे ताकि ये बना सके कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई या कोन्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। तो जो स्ट्रोबिलाई बियर करता है माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया को इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिलाई। हम यहाँ पर वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इंटू अ मेल गेमिटोफाइटिक जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस एंड इज़ कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स विच इज़ कॉल्ड अ पोलन ग्रेन। तो जो माइक्रोस्पोर्स है वो डेवलप होते हैं मेल गेमिटोफाइटिक जनरेशन में जो कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है और ये कुछ स्पेसिफिक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स में ही मिलेगी जिसे हम बोल रहे हैं पोलन ग्रेन्स।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया. तो जो पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट द कोन्स बियरिंग मेगा स्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगा स्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई. तो जो कोन्स मेगा स्पोरोफिल को रख रहे हैं ओव्यूल्स के साथ साथ और मेगा स्पोरेंजिया को, उनको हम बोलते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट या हम उन्हें फीमेल स्ट्रोबिलाई के नाम से भी जानते हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री पाइनस और ऑन डिफरेंट ट्रीज दैट इज साइकस. तो जो मेल और फीमेल कोन्स या स्ट्रोबिलाई हैं वो या तो सेम ट्री पे मिल सकते हैं जैसे कि पाइनस या अलग अलग ट्रीज पे भी मिल सकते हैं जैसे कि साइकस. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स एंड द कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल. तो जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफरेंशिएट होती है न्यूसिलस के एक दो स्पेसिफिक सेल्स से, वो जो प्रोटेक्टर होते हैं एनवेलप्स से, और इस पूरे कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म फोर मेगास्पोर. तो जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड होती है और चार मेगास्पोर्स बनाती है. तो हम यहाँ पर वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें. हमारे नेक्स्ट पॉइंट है वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम न्यूसिलस डेवलप्स इनटू अ मल्टी सेल्यूलर फीमेल गेमिटोफाइट दैट बियर्स टू और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. तो इसमें से हम बोल रहे हैं कि इन चारों में से एक मेगास्पोर जो इनक्लोज है मेगास्पोरेंजियम न्यूसिलस से वो डेवलप होता है एक मल्टी सेल्यूलर फीमेल गेमिटोफाइट से जो बियर करता है दो या चार आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. तो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द मल्टी सेल्यूलर फीमेल गेमिटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम. यानी जो मल्टी सेल्यूलर फीमेल गेमिटोफाइट है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मिलता है. तो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स. तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो कम्प्लीटली अलग हैं उनके अलावा अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें जिम्नोस्पर्म्स में जो मेल और फीमेल गेमिटोफाइट हैं उनके पास ऐसा इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है. दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया यानी वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं रिटेन्ड ऑन दी स्पोरोफाइट्स. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोलन ग्रेन्स आर कैरीड इन एयर करंट्स एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल्स. तो जो पोलन ग्रेन है वो जाते हैं एयर करंट्स यानी हवा की मदद से और फाइनली ये कहाँ पर आते हैं, ये आते हैं ओव्यूल्स की ओपनिंग के पास जो कि मेगा स्पोरोफिल्स पर ग्रो या बॉर्न हो रहे हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड्स द सीड्स आर नॉट कवर्ड. तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में और जो ओव्यूल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं सीड्स में और जो सीड्स होती हैं जिम्नोस्पर्म में वो कवर्ड नहीं होती हैं. हम यहाँ पर वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें. तो क्लास ये कुछ रेफरेंस क्वेश्चन हैं जो आपको घर जाकर सॉल्व करने हैं. एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 12 और वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 4, 9, 11, 12 एंड 13.